गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अकाउंट्स में जब हम बात करते हैं तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, जो नॉर्मल सेंस में आप उसका मीनिंग यूज़ करते हो उस सेंस से। जो भी हमारी रेवेन्यू आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी हमारी कैपिटल आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। अगर आप इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ना तो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू प्रॉफिट और लॉस बताएगा, ना ही जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन बताएगी। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं बिजनेस के, उसकी नॉलेज के लिए कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को डिफरेंशिएट करना। नॉर्मली जब हम कैपिटल वर्ड इन जर्नल यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होना किसी भी पर्सन को, लेकिन बिजनेस के सेंस में जब हम कैपिटल का मीनिंग जानते हैं तो उसका मतलब डिफरेंट है। इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैपिटल हम वर्ड जो हैं हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कैपिटल वर्ड हम यूज़ करते हैं मनी या एसेट के लिए जिसे हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं फॉर अर्निंग ऑफ मनी, उसे हम कैपिटल कहेंगे, नेचर की जो आइटम है वो कहेंगे। और उसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है आपका मनी में उसे हम रेवेन्यू आइटम्स के कैटेगरी में लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर कैपिटल आइटम का मतलब वो आइटम्स जिसका जो प्रॉफिट है हमें आने वाले बहुत सारे अकाउंटिंग ईयर्स में मिलेगा, जबकि रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिसका कंप्लीट प्रॉफिट हमें रिसीव हो जाता है उसी रिलेटेड ईयर में। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम कैपिटल और रेवेन्यू की? कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को हम फॉलोइंग तरीके से डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कोई सर्टन रूल नहीं है जिसके बेसिस पर हम कहें कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर परचेज अगर किया है कंप्यूटर ट्रेडर ने, तो कंप्यूटर जो उसने परचेज किया वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन वही कंप्यूटर अगर क्लोथ ट्रेडर ने परचेज किया है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। नॉर्मली कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हो किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, और इसे हम शो करते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पर। कौन कौन से एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं? एक्सपेंडिचर आपने किया फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया फॉर द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, कंप्यूटर, ट्रेडमार्क एसेट्रा के लिए, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। या फिर जो आपने एसेट खरीदी उसको उसकी वर्किंग जब तक शुरू नहीं हो जाती उससे पहले उस एसेट के ऊपर जो भी आपने खर्चे किए उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे जो भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया ऑन कैरेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सपेंडिचर स्पेंड किया आपने उसको एसेट को रेडी फॉर यूज़ करने के लिए, वो सारा जो आपका एक्सपेंडिचर है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मशीन परचेज की 2,25,000 की, 15,000 आपने उसके ऊपर कैरेज इंकर किया और 8,500 जो एक्सपेंसेस है आपने इंकर किए उसके एस्टैब्लिशमेंट में, तो जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 2,25,000 प्लस 15,000 प्लस 8,500, तो वो कितना बनेगा 2,48,500। देन जो भी एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया ऑन एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी वजह से जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की वो इंक्रीज हुई, उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया
इंक्रीज करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट कस्टमर्स के लिए साइबर कैफे में, तो उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देन जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है उस पॉइंट तक जब आपकी जो एसेट है वो यूज़ होना शुरू हो गई है, तो उसे हम ट्रीट करेंगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो इंटरेस्ट आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो जब तक वो एसेट रेडी नहीं हो जाती यूज़ करने के लिए, उस इंटरेस्ट को हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ऐड हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट में, लेकिन इंटरेस्ट आफ्टर द यूज ऑफ जो एसेट है उसे हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंड। देन कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप इंकर कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग द राइट ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, जैसे आपने परचेज किए पेटेंट राइट्स, गुडविल एसेट्रा, तो उसे भी हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, जैसे आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंडिचर इंकर किया ऑन द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एसेट्रा, तो दोज ऑल्सो आर इंक्लूडेड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो आप इंकर कर रहे हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो उसके डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, उसको करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो इसका बेनिफिट है इन एक्सपेंडिचर का आपको करंट ईयर में ही रिसीव हो जाता है। इन एक्सपेंडिचर्स को आप शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नॉर्मली ये एक्सपेंडिचर इंकर क्यों किए जाते हैं, ताकि जो स्मूथ रनिंग है बिजनेस की वो पॉसिबल हो सके। गुड्स आपने परचेज की सेल के लिए एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड हम करते हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स इसमें इंक्लूड होते हैं? एक्सपेंडिचर नॉर्मली जो इंकर हो रहे हैं फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे वेजेस, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एसेट्रा। एक्सपेंडिचर आप इंकर कर रहे हैं ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, बट उसे आप मेंटेन कर पा रहे हैं, जैसे वाइट वॉशिंग ऑन बिल्डिंग। देन एक्सपेंसेस इंकर जो आप कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फॉर रीसेल ऑफ गुड्स, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एसेट्रा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पे कर रहे हैं जब आपने एसेट को यूज़ करना शुरू कर दिया है उसके बाद। देन डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये एग्जांपल्स हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है नेचर ऑफ परचेज। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं वो आप किसके ऊपर करते हो? किसी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में करते हो, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एंकर किए जाते हैं इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल ऑफ गुड्स के लिए। देन अकाउंटिंग की बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आप उसे शो करते हैं ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन एक्सपेंसेस को आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट अर्निंग पीरियड की बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका प्रॉफिट आपको बहुत सालों तक मिलता है, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका प्रॉफिट आपको सिर्फ करंट ईयर के लिए मिलता है। देन इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप फिक्स्ड एसेट पे कर रहे हो उससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंसेस जो आप इंकर कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स पे उनको गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए करते हो। लायबिलिटी की बात करें तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो फॉर सेटलमेंट ऑफ कैपिटल लायबिलिटी उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो फॉर सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू लायबिलिटी उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप का एक्सपेंडिचर है दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस में इंकर करते हैं लेकिन उनका जो बेनिफिट है आपको करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आने वाले बहुत सारे और ईयर्स में भी मिलता है। उनकी पेमेंट आप इस ईयर में कर देते हो सारी, लेकिन उसका जो बेनिफिट है आपको आगे आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो उन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन एक्सपेंडिचर को आप टोटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, रीज़न बीइंग उसका जो बेनिफिट है आपको आने वाले कई सालों में मिलना है, तो इसलिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर इस साल में किया
उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो आप इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल अमाउंट नहीं लिखते, कुछ अमाउंट आप इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस जो है आप उसे एसेट की तरह शो कर देंगे बैलेंस शीट में, और आने वाले आगे के ईयर्स में आप उसे राइट ऑफ करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1,50,000 रुपीज़ खर्च किए एडवर्टाइजमेंट ऑफ मोबाइल फोन्स पर, अब उसका जो बेनिफिट है आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले आगे 5 सालों तक मिलेगा। हर साल आपने क्या कर दिया, 1,50,000 डिवाइड बाय 5, तो आया 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ आप हर साल आने वाले 5 सालों तक आप उसे राइट ऑफ कर दे रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे सपोज फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 30,000 आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, और 150 माइनस 30,000 120 आप शो करेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। देन नेक्स्ट ईयर अगेन 30,000 आप पी एंड एल में दिखाएंगे एंड 120 माइनस 30 आप शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। देन इसमें किस किस तरीके के जो एक्सपेंडिचर हैं इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें इंक्लूड हम करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 1। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज़ फ्राइट एंड कैरेज ₹17,800 ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। आपने नई मशीनरी खरीदी है, मतलब एसेट की परचेज पर आपने फ्राइट एंड कैरेज को पे किया है, तो ये एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर का होगा। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप डेली का है आपका स्मूथ फंक्शनिंग के बिजनेस के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका। देन ₹2,300 स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर रिसेंटली। जो आपका सेकेंड हैंड कंप्यूटर है वो आपकी एसेट हुआ, उसको यूज में लाने से पहले आपने एक्सपेंडिचर किया है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देन आपका लीजिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद रेजिंग अ लोन फॉर बिजनेस, तो ये आपका लीजिंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद रेजिंग अ लोन फॉर बिजनेस, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ये पे कर रहे हो तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। देन अ सम ऑफ ₹15,00,000 वॉज पेड फॉर द परचेज ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड, आपने एसेट परचेज की है ये, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन फ्राइट पेड ₹1,200 ऑन गुड्स परचेज्ड, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गुड्स परचेज के ऊपर है। देन परचेज ऑफ अ कंप्यूटर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, फिक्स्ड एसेट आपने परचेज की। नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ मशीनरी, एसेट का नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ये था हमारा इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।